बेटा के बरुआ में, यानी बेटा के बरुआ में विवाह में जो बरुआ होता है उसमें मामा के यहाँ से यानी मायके से क्या क्या चीज़ आना चाहिए जो है, अब क्या नहीं आना चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है, मतलब क्या चीज़ लेके आए मामा लोग और जो है क्या ना लेके आए, भाभी लोग क्या भेजें क्या ना भेजें, वो चीज़ मैं आज आप सबको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे ब्लॉग चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आप सबको जो है बेटा के विवाह में बरुआ होता है, वैसे तो बरुआ जो है लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, दो तरीका है इसमें, तो सारी चीज़ें मैं क्लियर बताऊंगी। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, रिक्वेस्ट जिन्होंने किया है उनकी रिक्वेस्ट पर ये वीडियो शेयर हो रही है। अब तक पितर पक्ष चल रहा था और सावन का महीना चल रहा था, थोड़ा लेट हो गया है उनका रिक्वेस्ट पूरा करना, क्योंकि टाइम नहीं मिला। जो जिस चीज़ का सीजन रहता है वही चीज़ मैं शेयर करती हूँ मेरे ब्लॉग चैनल पर भी और मेरे गीत के चैनल पर भी, उसी हिसाब से गाने मेरे गीत के चैनल मंजू तिवारी ऑफिशियल, मुनि दुबे ऑफिशियल पर भी मैं शेयर करती हूँ। तो एक बहन ने रिक्वेस्ट किया था कि बरुआ में क्या क्या देना चाहिए, क्या कैसे करना चाहिए, बुआ को क्या क्या करना चाहिए, तो चीज़ मैंने बताया था, वही वीडियो उन्होंने देखा और उन्होंने जो है रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ हमें बताइए कि बरुआ में मामा के यहाँ से क्या क्या चीज़ें आती हैं, यानी माँ के नैहर से और बच्चे का मामा ननिहाल हुआ। तो हेमा कुमारी है हमारी बहन, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ जी बताइएगा ज़रूर कि बरुआ में विवाह में मामा के यहाँ से यानी मायके से क्या चीज़ आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि देखिए, 100 में 50, 40, 30 लोग ही हैं जो कि बरुआ घर पर करते हैं, नहीं तो ज़्यादातर लोग अपनी सुविधा के अनुसार जो है विंध्याचल में जाके जनेऊ कर देते हैं, पहना देते हैं जनेऊ, और जिस दिन भक्तवान रहती है उस दिन भाई बहन को खिला देते हैं, बाकी वगैरह जो पूजा वूजा सब चीज़ होती है वो तो घर पर हो जाती है। तो वहाँ का तो जो नियम है जो चीज़ पंडित को दिया जाता है, भाई बहन तो वहाँ रहते नहीं, बुआ तो मान लीजिए सही गई है साथ में तो ठीक है, नहीं गई हैं तो भी कोई एक लेके जाता है साथ में। अब ऐसा तो है नहीं घर परिवार सारे लोग दो चार गाड़ी करके, क्योंकि एक दिन दो दिन बाद शादी रहती है, दौड़ा भाग भी रहती है, तो ऐसा तो रहता नहीं सारे लोग साथ में जाते हैं। तो वहाँ का तो अलग ही नियम हो गया, पंडित पुजारी ही लेते हैं, जो कुछ भी होता है जैसे होता है जो नैहर से आया रहता है, जो ससुराल से क्या कैसे, तो वो जो है वो नियम है कि बाहर जो हो गया तो उसका कोई बात नहीं है। लेकिन जब बरुआ हम अपने बेटे का या मतलब अपने हमारे भाई का जो है, सबसे पहले बात जैसे हमारे बेटे का बरुआ हमारे यहाँ होना है, तो शादी के एक दिन पहले होता है बरुआ, जनेऊ से बोलते हैं, जनेऊ पहनाया जाता है। तो जनेऊ की तो बहुत सारी रस्में हैं जो कि पंडित लोग कराते हैं, और उसमें भी क्या क्या नियम है, क्या हम लोग को करना चाहिए अपनी ननद के लिए और खुद पंडित जी के लिए, और क्या क्या रस्में हैं, सब चीज़ जो है अलग अलग तरीके की बातें हैं। तो बरुआ में जो है माँ के यहाँ से ननिहाल से आता है 5 जो है, अगर है उस हिसाब से भगवान ने आपको दिया है ठीक है, तो 5 बर्तन आता है यानी 5 थाली आती है, उसमें गिलास कटोरी लोटा नहीं होता है, 5 थाली आती है। और 5 थाली के लिए सीधा होता है जैसे गेहूं का आटा, चावल, दाल, खटाई, नमक, जो कुछ भी भगवान ने आपको दिया सीधा थाली में रख के दिया जाता है। और एक थाली में शायद नहीं, 5ों में हर 5 तरीके का रखा जाता है, या मुझे याद नहीं आ रहा, नहीं यही चीज़ है सही है जो है। तो 5 थाली में फर्स्ट बार माँ भीख देती है, तो वहाँ से तो 5 थाली अगर आए तो ठीक है, नहीं 5 थाली आती है तो एक थाली और मायके का ननिहाल का सीधा जो आता है आटा गेहूं चावल जो भी आता है आपके यहाँ से, और उस पर 16 सिंगार होना चाहिए ननिहाल से जो आता है, और 16 सिंगार में चूड़ी सिंदूर बिंदी टिक्की सब कुछ हो जाता है। और आता है गमछा तौलिया आता है बड़ा सा बच्चे के लिए, और एक आता है भीख देने के लिए, नाना जी उसी योग्य हैं तो बच्चे के लिए कपड़ा भी आता है ननिहाल से, और माँ के लिए साड़ी आती है यानी चौक बोलते हैं उसको हमारे यहाँ, चौक आया है नैहर से वो पहन के भी छोड़ने जाएंगे ठीक है। तो माँ के लिए जो है साड़ी आती है, और एक बढ़िया चाहे पीतल की थाली हो और चाहे स्टील की थाली हो वो आती है, अगर है तो 5 आएगी, नहीं 5 आई है एक ही है, तो आप अपने घर से अगर करना चाहती हैं तो 5 थाली में भीग दीजिए जो है, और नहीं तो एक थाली सजा लीजिए पूरा तैयार कर लीजिए, बाकी का
पांच चार पत्तल कर दीजिए, जो कि ये मतलब फाइबर का होता है या ये उसका क्या बोलते हैं भांग का होता है, उस पर भी सीधा सजा के और सिंदूर टिकली रंगना बिनती जो भी है सारे मतलब पांचों पर रखा जाता है। तो सबसे पहले माँ भीख छोड़ती है, जो है मायके की साड़ी पहन करके मायके का आया हुआ जो कुछ भी शौक श्रृंगार का सामान रहता वो चीज़ थाली और सारी चीज़ों से जो है भरपूर माँ भीख छोड़ती है और वो भिक्षा को पंडित को दिया जाता है। तो बाकी तो बहुत सारे गांव की भी महिलाएं आती हैं और बहनें भी आती हैं, सब लोग आते हैं, तो सब नहीं कुछ चीज़ें घर पर रख ली जाती हैं, बाकी जो माँ छोड़ती है वो पंडित को दे दिया जाता है। और बाकी का जो राशन पानी होता है आप अपने हिसाब से पंडित जी को दीजिए, बाकी अपने घर रखिए, जो है कहीं भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सारा चीज़ उठा के दे ही दिया जाता है, ऐसा नहीं है। तो जो चीज़ मैंने देखा है जितनी परंपराएं रीति रिवाज हर जगह के थोड़ा बहुत अलग अलग तरीके से होते हैं, मेरे यहाँ का जो नियम है वो मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कुछ बहनें कहती हैं कि रीति रिवाज परंपराएं सारी चीज़ें शेयर करते रहा करिए और पूजा पाठ भी। तो मैं यहाँ पर अक्सर जानकारी देती रहती हूँ आप सभी को। आशा करती हूँ कि हमारी बहन हेमा कुमारी को ये चीज़ ज़रूर पसंद आएगा हमारा वीडियो, अगर वीडियो पसंद आ जाता है ना तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। हाँ, ये गलती ना करें भाई बाप की, जो है आए ही ना मौके पर, नहीं तो बहुत गलत बात हो जाती है, बहन भी नाराज़ होती है, उसके मान सम्मान की बात होती है अगर आप टाइम पे नहीं आते हो। जनेऊ अगर घर पे हो रहा है तो मायके का ये मतलब भाई का बाप का माँ का फर्ज यही बनता है कि जनेऊ के दिन उससे पहले ही भाई लेकर के पहुँच जाए, जो है नहीं तो वही हाल होगा, वही ये बरुआ फिजून तो मामा नहीं आए। बहुत ही दर्द भरा गीत है, गीत सुनने के लिए आप आ जाइएगा मेरे गीत के चैनल मंजू तिवारी ऑफिशियल पर, वहाँ पर बरुआ विवाह हर तरह के गीत आपको मिलेंगे। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए आप लोग, जो है तो यही सारी चीज़ें आती हैं मायके से, और वो साड़ी पहन करके आपको बरुआ में भीख छोड़ना है, और मायके की ही साड़ी से आती है, तो आती तो दो आती है, नहीं तो एक ही आती है, तो वही साड़ी पहन करके जो है दो आती है ना, तो एक माँ बर भी छोड़ती है और एक साड़ी जो है जो दादी माँ या बड़ी मम्मी या कोई भी जो मायन मंत्री करते हैं उनको दे दिया जाता है करने के लिए। अगर एक ही आई है तो आप जो है उनको दे दीजिए, मायन मंत्री का पहन करके किया जाता है, शुभ होता है, और आप अपना पहन करके जाके भी छोड़ सकती हैं, और बच्चे को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए, और ईश्वर से कामना करिए कि शादीशुदा जोड़ा ससुराल मतलब हमेशा खुश रहे। आशा करती हूँ कि आप सबको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आएगी, पसंद आती है ना तो लाइक शेयर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों से, तब तक के लिए बाय। अगर भूल चुक हुई हो तो माफ़ करिएगा। गुड नाइट।